आपका दयानंद एक्यूप्रेशर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों, गुरु का जो पद है वो गोविंद से बड़ा है, क्योंकि गुरु ने ही तो गोविंद का ज्ञान दिया है और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज कोरोना काल चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हैं, रेलें बंद हैं, हवाई जहाज की फ्लाइटें बंद हैं और शनिवार इतवार का यूपी में भी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में परमपिता परमात्मा या नेचर मनुष्य को स्वयं ज्ञान देती है। हमारा 90% ज्ञान सुषुप्ति में पड़ा है, अभी केवल संत महात्मा ऋषियों और वैज्ञानिकों को केवल 10% ज्ञान का ही अनुभव हो चला है। देखिए, ये सारा संसार एनर्जी के ऊपर काम करता है, एनर्जी के ऊपर चलता है। जैसे एक एटीएम कार्ड की एनर्जी 1000 रुपये की है और एक की 10,000 की है, तो देखने में तो दोनों कार्ड एक से ही लगेंगे, लेकिन एनर्जी लेवल अलग अलग है। ऐसे ही एक साधारण मनुष्य होता है, एक इंजीनियर होता है, एक डीएम होता है, एक पीएम और सीएम और राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इन सब की एनर्जी का लेवल बड़ा होता है। उसी प्रकार हमारे भारत में एनर्जी के आधार पर एक पद्धति बहुत प्रचलित थी, पिरामिड। देखिए, ये एक पिरामिड है, इस पिरामिड से आप बहुत से काम कर सकते हैं। पिरामिड पद्धति से देखिए, आपने देखा होगा पहले अधिक से अधिक लोग टोपी पहन कर निकलते थे। देखो इस तरह टोपी पहन करके, देखिए पिरामिड की इस तरह आप सिर पर रख लें, सिर दर्द ठीक हो जाता है। और पिरामिड का और उपयोग बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी महल पुराने हैं, लाल किला है, ताजमहल है, राष्ट्रपति भवन है, जितने पुराने पुल बने हुए हैं सब पिरामिड के आकार के बने हुए हैं। रेलों के मकान मैंने आज भी देखे हैं, पिरामिड के आकार के बने हैं। इसमें एनर्जी बहुत आती है। और गांव में मैंने देखा है भूस भरने के लिए बुर्जी बनाई जाती है, वो भी पिरामिड की आकार की बनाई जाती है। और माताएं बहनाएं उपले रखने के लिए बिटोरा जो बनाया जाता था वो भी पिरामिड के आकार का बनाया जाता था। और दूध उबालने के लिए जो एक भरोसी कहते थे उसके ऊपर कैप भी पिरामिड की आकार की बनाई जाती थी। और गेहूं भरने के लिए ये कच्चे कुठिया बनाई जाती थी, वो भी पिरामिड के आकार की बनाई जाती थी। अब वक्त आ गया है पुराने दादी नाना नानी के सिद्धांत पर चलने का। अपने को खोजिए, देखिए ये मैं कितना गहरा ज्ञान आपको YouTube के माध्यम से दे रहा हूँ। मिस्र में डेड बॉडियां सड़ी नहीं है पिरामिड के आकार के, उसमें प्रिज्म बना करके रखी जाती है। तो हमारा जो ट्रस्ट ज्ञान दे रहा है वो अमूल्य ज्ञान दे रहा है, वो विशेष ज्ञान दे रहा है। आप चिंतन मनन करें, वो ज्ञान दे रहा है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, यानी अनुभव का ज्ञान दे रहा है। आपको पुराने सिद्धांत में जाना पड़ेगा, जितने भी मंदिर हैं उसमें आप स्वयं बैठें, ध्यान लगाएं, मस्जिदों में आप स्वयं बैठें, नमाज पढ़ें। सारे संसार की मस्जिदें पिरामिड के आकार की हैं, सारे संसार के मंदिर जो हैं पिरामिड के आकार की हैं, लेकिन हम भटक रहे हैं मूर्ति में। आप भी मकान बनाएं पिरामिड
थे आकार का बनाए, गांवों में छप्पर जो डाले जाते थे, झोपड़ी जो बनाई जाती थी वो पिरामिड के आकार की बनाई जाती थी। आज वक्त आ गया है पुरानी चीजों पर चलने का, रिचर्स करने का, रिटर्न टू नेचर। हमारा जो ट्रस्ट दयानंद का है, ऑल वर्ल्ड में वो ज्ञान नया नया देता है, अनुभव का ज्ञान देता है। आपको समझना और सोचना, स्वयं चिंतन करना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, जब तक आप स्वयं अंदर को नहीं जाएंगे आप भटकते ही रहेंगे। तो मित्रों, ये जो हमारा ज्ञान है सभी धर्मों के लिए है, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो। हमारा जो आर समाज का नारा है, किणवंतो विश्व नारियम, सारे संसार को आर्य बनाना है। जब हमारा बाबा एक है, परमपिता एक है, तो हमको जातियों में क्यों बांटा जाता है, हमको लोग धर्मों में क्यों बांटा जाता है। ये रोटियां सेकते हैं लोग, इन सब से बचना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट अपना संबंध परमपिता परमात्मा से लगाना होगा। जिस समय आत्मा मनुष्य मरता है उस समय कोई आपकी साथ नहीं देता, केवल आपका ज्ञान, परमपिता परमात्मा, सारे संसार की सृष्टि। पैदा होने से पहले आप कहाँ थे, मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, आपको सोचने का वक्त आ गया है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गीता में कहा है आत्मा अमर है। श्री कृष्ण भगवान किसी से नहीं डरते थे, भगवान राम किसी से नहीं डरते थे, महात्मा भगवान बुद्ध उंगली मार से नहीं डरे। तो दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओम शांति।